हेलो एवरीवन, आज की कड़ी में हम हीलिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उपयोगिता को जानेंगे। पहला सुख निरोगी काया। हम सभी स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। मेडिकल साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी ने अद्भुत खोजें की है जिससे मृत्यु दर में कमी हुई है, एजिंग को रोकने के ट्रीटमेंट्स और कई बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत खोजें की गई है। क्वांटम फिजिक्स ने मानव ब्रह्मांड के कई रहस्यों को बखूबी उजागर किया है जिसका हीलिंग में उपयोग किया जा रहा है। न्यूरोलॉजिस्ट भी न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा कई असाध्य और गंभीर बीमारियों को ठीक करने में सफल हुए हैं। इन सभी की जितनी सराहना की जाए कम है। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज हमारे शरीर के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, पर इसी सभ्यता की दौड़ ने कई अनेक बीमारियों को पैदा किया है क्योंकि अलगाववाद, स्वार्थ और लालच ने अलग अलग कई बीमारियों को पैदा भी किया है। केवल मेडिकल साइंस की तरक्की और ह्यूमन साइकोलॉजी की खोजों के द्वारा ही पृथ्वी से कभी भी डिजीजेस पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति से डिजीजेस के अस्तित्व और उनकी हीलिंग के उपाय के बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर्म का नियम है, यानी सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देती है। ये एलओए नियम हीलिंग में एक माइलस्टोन की भूमिका निभाता है और इसी ने समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा की है। माइंड ओवर मैटर बिल्कुल सत्य कथन है, यानी कि मन हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, पर हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप इस शरीर मन बुद्धि के पार आत्मा का है जो चार बॉडीज को लेकर पृथ्वी पर अपने अनुभवों को संग्रहित करती है। इसमें हमारी सर्वाधिक एथरिक बॉडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ये हमारी वाइटल बॉडी है और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार भी। माइंड ओवर मैटर इसी एथरिक बॉडी के द्वारा ही काम करता है, यानी कि मन का प्रभाव पहले एथरिक बॉडी पे पड़ता है और फिर उसका रिफ्लेक्शन फिजिकल बॉडी में दिखता है। इसलिए जब थिंकिंग पैटर्न चेंज किए जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले एथरिक बॉडी पे पड़ता है, जहां पर बीमारियां ब्लॉकेजेस के रूप में होती हैं और उसी की अनुसार वो शरीर के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। जैसे कि मानव जीवन छोटे छोटे चक्रों की एक श्रृंखला में विकसित होता है, प्रत्येक 7 साल का होता है और प्रत्येक चक्र के अपने उचित कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ। रोग कर्म उसी छोटे चक्र में आसानी से मुक्त हो जाता है जिसमें उसे उत्पन्न किया गया था। यदि नेगेटिव कर्म एक चक्र से दूसरे चक्र तक जारी रहती है तो डिजीज भी वैसे ही होगी या उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। पर जब डाइट में बदलाव और एफर्मेशन के द्वारा थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया जाता है तब 20 साल के नेगेटिव कर्म का हिसाब भी ऑटो सजेशन के द्वारा 3, 2 या 1 साल के भीतर ही समाप्त किया जा सकता है। जो भी एफर्मेशन के द्वारा ऑटो सजेशन दिए जाते हैं उनका एथरिक बॉडी पालन करता है और अपने ब्लॉकेजेस को खोलता है, अर्थात मन शरीर की संरचना में भी परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। ये सभी क्रिया मना कर्मा है जो बहुत ही जल्द थिंकिंग पैटर्न के बदलने से डिसॉल्व हो जाते हैं। पर यदि कर्मा पिछले जन्मों से आया है, यानी पिछले जन्मों में गंभीर उल्लंघन किया हो, जैसे फिजिकल कर्मा हिंसा, शोषण, अत्याचार द्वारा किया गया हो, या मेंटल टॉर्चर या इमोशनल अत्याचार करके क्षति पहुंचाई गई हो, तो जैसा कि ये नियम कहता है, जो भी बोगे वैसा ही आप काटोगे। तो यदि किसी को दुख दिया है तो उतनी पीड़ा सहनी ही होगी। तब ऐसे नियमों का उल्लंघन क्या मात्र पॉजिटिव थिंकिंग और थोड़ी सी नैतिकता से माफ कर दिए जाएंगे? क्योंकि ये जो नैतिकता है वो आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा जबरदस्ती लाई गई है। सद्भाव, करुणा, प्रेम जैसे गुणों को विकसित नहीं किया गया है जो आत्मा के गुण है। आत्मा पीड़ा सहती है और अपने गुणों को विकसित करती है।
दर्शन और धर्म ने हमेशा सिखाया है कि पीड़ा से आत्मा शुद्ध और मजबूत होती है और कभी कभी पीड़ा सहना भी अच्छा होता है। यदि हम कर्म की क्रिया और संचालन को जान सकें तो हम देखेंगे कि बीमारी में पीड़ा सहने से बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो लोग इस तथ्य को पहचानते हैं और जानते हैं वो स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस पीड़ा को स्वीकार करते हैं। हमें नहीं मालूम कि बीमारी का कारण क्या है, तो बेहतर है कि आप केवल मेंटल हीलिंग के द्वारा ही इसे ठीक करने का प्रयास न करें, बल्कि मेडिटेशन के द्वारा ही इसे हील करने की कोशिश करें। क्योंकि लोगों की बहुत सी परेशानियां डर के परिणाम स्वरूप काल्पनिक होती हैं, कभी कभी कल्पना के कारण तीव्र रूप में भी आ जाती हैं। उन मामलों में ऐसी मेंटल हीलिंग के द्वारा इलाज हो सकता है। इसी प्रकार कुछ नर्वस सिस्टम के विकार भी ठीक हो सकते हैं, और यदि पेशेंट के मन को उच्च विचारों की ओर निर्देशित करके किया जाता है तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पर यदि पेशेंट का मन गलत फिलॉसफी से भर गया है, यानी कि नकारात्मकता से भरा हुआ है, तब यदि एफर्मेशन और उच्च विचार का उपयोग किया जाता है तो पेशेंट के मन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और ये सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। कर्म और पुनर्जन्म में ये आधार शामिल है कि मनुष्य एक आध्यात्मिक इकाई है जो किसी उद्देश्य के लिए शरीर का उपयोग कर रहा है। आत्मा अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस के द्वारा सीखती है। शरीर बीमारी उत्पन्न करने का एक कार्मिक उपकरण मात्र है। बीमारी का कारण कहीं अधिक गहराई में छिपा हुआ है। हो सकता है कि ये किसी कर्म की क्षतिपूर्ति हो या कोई सबक लेने के लिए किसी अंग को नष्ट किया जा रहा हो। डिजीज जिस हद तक और जिस स्तर तक घटित हो सकती है वो हमारे कर्म के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होती है। जीवन में हमारे कर्म द्वारा निर्धारित भाग्य के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। हम हमेशा निश्चित रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस के तहत कार्य करते हैं जो हमने पिछले जन्मों में अपने कर्मों के माध्यम से बनाया था। इसीलिए कई बार सेल्फ हीलिंग के प्रयास असफल हो जाते हैं, क्योंकि कर्म ही निर्धारित करता है कि उस बीमारी को पीड़ा के द्वारा ही भुगतान किया जाए या वो अनुमति देता है कि इलाज और नैतिकता से जुड़कर कर्म मुक्त हुआ जाए। एफर्मेशन और नैतिक शुद्धता कर्म को प्रभावित करती है। यह मन को शांति देती है और इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकती है, पर यह अपने आप में बीमारी को ठीक नहीं करती यदि बीमारी मूल रूप से कर्म से संबंधित है। इसीलिए हर बीमारी में मेंटल हीलिंग प्रभाव नहीं डालती, ये एक अंग से दूसरे अंग में चली जाती है। डिजीजेस, मानसिक विशेषताएं और विल पावर में कमी, ये सभी कार्मिक इफेक्ट होते हैं। ब्लेवेस की मेंटल हीलिंग के प्रभाव को इनकार नहीं करती। वो कहती हैं कि हो सकता है कि आपको फायदा हो, लेकिन यह बीमारी के कॉजेस यानी कारणों को संबोधित नहीं करता, पर केवल नेचुरल कार्मिक इफेक्ट में देरी करता है या इसे हमारी प्रकृति के अन्य पहलुओं में स्थानांतरित कर देता है। यानी मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिस कुछ समय तक आपकी कर्म की मात्रा को रोक सकती है, पर बाद में वह वापस आएगी ही, चाहे कुछ वर्षों बाद बीमारी पुनः प्रकट होगी या किसी और अंग में चली जाएगी। वो इसे शरीर के द्वारा स्वाभाविक रूप से काम करने के लिए कहती हैं। इसी बारे में एनी बेसेंट ने कहा है कि मानसिक प्रयास से किसी रोग को ठीक करना बुद्धिमानी है या नहीं, ये बहुत हद तक व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर करता है। बीमारी के कुछ रूप ऐसे होते हैं जो मेंटल या एस्ट्रल बॉडी में उत्पन्न होते हैं। ऐसे बीमारी को मानसिक तरीकों से एस्ट्रल बॉडी में वापस फेंकना संभव है और फिर लाभ के बजाय नुकसान होता है। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि विचार को शरीर पर लागू न करके पेशेंट को स्वयं की अनुभूति पर लागू करना चाहिए। इसीलिए उसे स्वयं के बोध बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए और अपने रियल सेल्फ से जुड़ना चाहिए, जिससे कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जहां मन शरीर पर चलता है वहां उत्पात होने की संभावना बहुत अधिक होती है। सारे एनलाइटेड मास्टर्स मेडिटेशन का सुझाव देते हैं। यह एक आध्यात्मिक कीमिया है जिसके माध्यम से
स्वार्थ से प्रेरित जो नेगेटिव कर्मा हमने किए हैं और उसके द्वारा जो सफरिंग होती है, वो एनर्जी के डिवाइन एफर्ट्स और प्रेम के प्रेरित कार्यों के द्वारा कम की जा सकती है और यहाँ तक के सफरिंग को मिटाया भी जा सकता है। प्रेम सच्चा पारस पत्थर है। सेवा वो रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय गुणों को विकसित किया जा सकता है और सफरिंग को स्पिरिचुअल पावर्स और खुशी के बेहतरीन सोने में बदला जा सकता है। आत्मा की इस कीमिया को पेशेंट द्वारा सेल्फ हीलिंग के लिए लागू करना चाहिए और यह स्पिरिचुअल हीलिंग का सच्चा साइंस है। इससे हीलिंग परमानेंट होती है और भविष्य के कई बीमारियों से मुक्त करती है। अब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को जान गए हैं और अपने ट्रीटमेंट में मेडिटेशन को भी जोड़ते हैं, क्योंकि यही वो आध्यात्मिक कीमिया है जो आपको परमानेंट हीलिंग की तरफ ले जाती है। तो जितना हो सके मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपके भीतर स्वाभाविक रूप से प्रेम, करुणा, ग्रेटिट्यूड की भावना उत्पन्न हो। सर्विस के द्वारा भी अपने गुड कर्मास को बढ़ाना चाहिए जो हमारे नेगेटिव कर्मा की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। और जब प्यार और करुणा के द्वारा सेवा की जाती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वापस वैसे ही देता है। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने प्यार और करुणा बांटने में करिए और मेडिटेशन लोगों को सिखाइए, क्योंकि जितना ज्ञान आप लोगों को बांटेंगे आपकी आत्मिक विकास उतनी ही तेजी से होगी। आखिरकार आध्यात्मिक शक्तियां और आध्यात्मिक ज्ञान ही बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। मेडिकल साइंस अब जो कई हीलिंग्स उपलब्ध कराता है केवल उन्हीं केसेस में सफल हो पाती हैं जहां पे कारना समाप्त हो गए हैं, बाकी सभी विफल हो जाते हैं। चॉइस इज योर्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका को हीलिंग में जाना, पर ये मेंटल हीलिंग आपकी हीलिंग को टेम्पररी ही लाता है। जब तक कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तब तक के आपकी हीलिंग परमानेंट नहीं होती। तो यदि मेंटल हीलिंग के साथ जब आप मेडिटेशन को भी जोड़ देते हैं तो आपकी हीलिंग परमानेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगली कड़ी में हम देखेंगे कि मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग परमानेंट किस प्रकार होती है। थैंक यू।